हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है सुनील कुमार और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। फ्रेंड, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से एलईडी टीवी के साथ अपनी यूएसबी ड्राइव कनेक्ट करके किस प्रकार से आप वीडियो चला सकते हैं या फोटो देख सकते हैं। वीडियो फोटो कैसे देखना है तो उसको यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो उससे पहले आपकी जो यूएसबी आपकी पेन ड्राइव वगैरह है तो उसको पहले आप लगा लेंगे। और जो मैं आज आपको वीडियो बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको एल जी टी वी एम आई या सोनी टी वी कोई भी हो उस पर सबकेबल करेगा। और जो मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ वो यहाँ पर एल जी टी वी पर दिखा रहा हूँ। तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको जो आपका जो टी वी रिमोट है तो लगभग कुछ इस तरह का यहाँ पर एक रिमोट रहता है वो जो आपके टी वी का रहेगा। तो आपको यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो पेन ड्राइव लगाते ही जैसे आपको यहाँ पर डिस्प्ले होगा और यहाँ पर इस तरह से ऑप्शन खुल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको फ़ोटो वीडियो म्यूजिक रिकॉर्डिंग का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ फ़ोटो वीडियो में आपको क्लिक कर देना है तो और उसके बाद देखेंगे अभी यहाँ पर डिस्प्ले खुल चुकी है। तो अलग अलग जो भी आपका डाटा है पेन ड्राइव में तो यहाँ पर आपको वीडियो वगैरह भी दिखाई दे रहे हैं और फोटो किस तरह से देख सकते हो तो मैं आपको ये दोनों चीज़ें यहाँ पर दिखाऊंगा। पहले हम एक वीडियो की बात कर लें तो मैं यहाँ पर आपको वीडियो दिखा देता हूँ जहाँ जिसमें भी आपका कोई भी वीडियो है और आप यहाँ पर उसको चला सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मेन वीडियो नहीं चलाती कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ भी जो वीडियो है आपका उसको रेडी कर देंगे तो उसको चला सकते हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पर वीडियो चलाना है तो वीडियो आपको जो भी हो चाहे मूवी हो कुछ भी हो सब कुछ चलेगा। तो यहाँ पर मैं एक आपको मूवी भी यहाँ पर स्टार्ट करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर यहाँ पर ऐसे ही विमन मूवी यहाँ पर चलाई तो इस तरह से आप मूवी वगैरह भी यहाँ चला सकते हैं। तो इस तरह से अभी मैं यहाँ से बैक कर रहा हूँ। आपने अभी यहाँ पर देखा कि वीडियो किस तरह से चलाना कोई ज़्यादा कठिन नहीं होता है। यहाँ पर आप नॉर्मली इसको वीडियो वगैरह चला सकते हैं। तो इसको मैं बैक करके यहाँ पर कुछ फोटो वगैरह भी आपको दिखा देता हूँ किस तरह से यहाँ पर फोटो देखेंगे। यहाँ पर इस तरह से आप देख रहे हैं को तो आपको कुछ पिक्चर यहाँ पर देख रहे होंगे तो फोटो है। तो आपको एक क्या है अगर आप एलईडी ये एलईडी है जो एलजी की 4K एलईडी टीवी है तो उस पर आप डिपेंड करता है पिक्चर क्वालिटी क्या है कितने एमबी की है उसके अनुसार भी आपकी डिस्प्ले क्वालिटी आएगी। जैसे कि मैं कोई एक यहाँ पर एक पिक्चर खोल लेता हूँ। आप सारी ही पिक्चर क्वालिटी अच्छी है अगर आप अच्छी क्वालिटी में कोई पिक्चर डाउनलोड करते हैं तो उसको डिस्प्ले में वैसा ही दिखाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर स्लाइड भी मतलब स्लाइड शो का भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर तरह तरह की यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ ऑटो दिखाता रहेगा जो फिर आपकी पिक्चर क्वालिटी है उस पर ही रहता है। और जो वीडियो है तो यहाँ पर आपको ये एलईडी टीवी 4K तक सपोर्ट करती है। इसी तरह से आप अपने फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह यहाँ पर चला सकते हैं। उसको मैं ज़्यादा ना करके यहाँ पर मेनू वगैरह करके दिखाता हूँ आपको चैट शो में क्या है मेरे हिसाब से चलता है। इस तरह से जो पिक्चर क्वालिटी है तो यहाँ पर उसके अनुसार आप कर सकते हैं। जैसे कि एक नॉर्मल में वैसे ही फोटो ले लेता हूँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर। इस तरह से यहाँ पर आपको एक गार्डन टाइप से दिख रहा है। और जो एक 4K रियल 4K जो पिक्चर क्वालिटी है वो ये है। आप जो 4K देख रहे हैं तो यहाँ पे एक रिजुवेलेशन इसका जो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है। और
यहाँ पर इस तरह से देखेंगे तो आपको जो 4K पिक्चर्स हैं तो वो उसको इस तरह से डाउनलोड करना पड़ेगा, तब आप फुल कलर जो क्वालिटी है उसकी वो देख पाएंगे आप। तो यहाँ पर आपको फुल क्वालिटी के जो पिक्चर क्वालिटी है करने पड़ेगी। तो यहाँ पर लगभग मैंने आपको दो एक इमेज वगैरह नॉर्मल फुल एच डी और यहाँ पर 4K कुछ दिखाई थी मैंने आपको। यहाँ पर एक गार्डन बात की बात करूँ तो यहाँ पर कुछ इस तरह से नॉर्मल पिक्चर है, इसलिए जो क्वालिटी थोड़ी सी अलग आएगी जो 4K है उसकी क्वालिटी आपको अलग रहेगी। जैसे क्या है यहाँ लाइट वगैरह इस तरह के, ये बारिश वगैरह का है ऑप्शन। इस तरह से आप अगर अपने वीडियो या इमेज क्वालिटी यहाँ पर देख सकते हैं, पिक्चर वगैरह एंटरटेनमेंट कर सकते हैं। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, चलिए चले देखें। Thank you.